आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी, तेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? जिस दिन गॉड लाइक वाले मुझे फोन करके बोलेंगे वो स्कूल में जाने थे, तो आप गए क्यों नहीं? लेकिन मैन रिफ्यूजेस टू गो डाउन। तेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? मेरी मतलब ऐसे सैलरी ऐसे नहीं थी, बट ऐसा मेरे को एक मतलब जो फर्स्ट फोन था ना मेरा, मेरे को एक और ने स्पॉन्सर है, उसने मेरे को 5,000 रुपए दिए थे ऐसा 3 महीने बैक। मतलब सैलरी ही बोल सकते हैं, 15,000 रुपए दिए थे, सैलरी नहीं थी, सिर्फ पाँच करके दिए थे। किस फोन के लिए? कौन सा फोन था वो? रियलमी X2 करके था। तेरा पहला फोन वही था? पहला फोन वही था, मम्मी के फोन में खेलता था उससे। रियलमी X2 था, 14,000 उसका था, बट उसने किया क्या था, मतलब उसने बोला था 5,000 की EMI पे ले ले 3 महीने के, पहले महीने पैसे दे के बाकी दूध दिए ही नहीं थे, फट गए थे, हो गया था, चल हो गया था। जॉनी भाई एक चीज बताओ, आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? फर्स्ट इनकम यस कुछ तो होगा, फर्स्ट इनकम सब एक्साइटेड होते हैं तो सबको याद होती है, कुछ आइडिया तो होगा यार। गरीब इंसान यार, क्या पूछ रहे हो यार, फर्स्ट इनकम बट हो गया उतना प्रॉपर नहीं पता, बट कितनी होगी उतना प्रॉपर नहीं पता, बट फिर भी एक फिगर कितना होगा, क्या लगता है आपको? मेरे को भी याद नहीं है। बताओ बताओ, TSM से पहले आपकी कौन सी ऑर्ग थी? TSM से पहले कौन सी ऑर्ग थी आपकी? NTT फर्स्ट ऑर्ग। तो उस NTT आपको क्या सैलरी देती थी? भाई मेरे को अराउंड होगी 10 से 20 के बीच में वो टाइम पर। और आपके मतलब पेरेंट्स कितना एक्साइटेड होते हैं फर्स्ट इनकम को देखते हैं? लाइक वो उस चीज से एक्साइटेड नहीं था, बट वो था कि लाइक कुछ कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली गॉड लाइक वालों से ही बात कर लूंगा जब भी है, एंड टारगेट नहीं है, बैंटर है, एंड अगर वो भी आई हैवंट सीन देम कंप्लेन, यूजुअली फैंस लोग चैट में आके वो कंप्लेन करते हैं, जिस दिन गॉड लाइक वाले मुझे फोन करके बोलेंगे मत करो, उस दिन के बाद से एब्सोल्युटली आई विल नॉट मेंशन देयर नेम, नथिंग विल कवर सोशल मीडिया, we will not talk about them, it will be completely out. This the day they come and bring it up. Jab tak unko koi problem nahi hai, they don't bring it up to us, we are not going to stop. We are going to continue doing the banter because we believe healthy banter is the way to grow the ecosystem. Ye bahar bhi hota hai, yahan bhi hona chahiye. Ha, gali galoch, toxicity, hatred, wo sab nahi. Healthy banter is cool. The day it goes beyond that point and the team from Godlike reaches out to me, हम एकदम बंद कर देंगे, हम कुछ भी नहीं डालेंगे फिर। आई थिंक मैं जब मैं दिल्ली में था तब मेरे पे ऑप्शन था मान्या की टीम में रुकने का, शायद मैं वो डिसीजन ले सकता था, तो मैं शायद मान्या के साथ होता या फिर दूसरा डिसीजन सेम ओमेगा के साथ भी मैं जा सकता था। सोल जब उनकी जब वो सोल में जाने वाले थे उससे पहले मेरे पे था ऑफर था, ओके तो मैं वहाँ भी जा सकता था। तो आप गए क्यों नहीं? स्टिक किया ना मैं लाइनअप से जल्दी, मतलब हार नहीं मानता जो भी लाइनअप। तो आपने सेंसे के साथ स्टिक किया? मैंने सेंसे किया था, अभी भी मैंने स्टिक किया था एंड तक, पर अब तो पानी सर के ऊपर दांत हो रहा था, छोड़ना पड़ा। कोई नजर आएगी जिसकी उन्हें तलाश थी, जो कल खोया था, तो कुछ समय की खुशी जरूर रेवन के पास है, लेकिन सौ में ये वो खिलाड़ी जो रेवन के ऊपर हुआ है हावी, इसका मतलब बाउंटी पॉइंट्स भी लेने के लिए तैयार रहेगी आईकू सोल, और उसी पॉइंट्स के साथ इनको अपना पूरा गेम प्ले बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या गेम प्ले बन पाएगा? रॉन करके आपको जा सकता है, व्हीकल इनके पीछे है, निकलने तो नहीं दिया जाएगा हल्क, आपको बचने की जरूरत, बट ऑफ एंगल यहाँ पे टीम तमिलाज की भी एंट्री होती हुई, आईकू सोल को इस बात का अंदाजा था नहीं, और यहाँ पे वो उसका खामियाजा भुगत रहे। Maxi with the maximum damage. इनफैक्ट उनके पास आ भी चुकी है, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, और इसी के साथ टीम तमिलाज सौ में बिल्कुल सामने, रोनी के एचपी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, टीम तमिलाज अंदर घुस करके फाइट लेना चाहेगी, लेकिन पीछे रेवन की हल्की दिक्कत देंगे, इनफैक्ट रोनी को डाउन किया जा चुका है, मैक्सी सोमे को भी पिक किया जाएगा, आईकू सोल का सफाया, टीम तमिलाज क्या वो फाइट ले पाएंगे? बाकी टीम अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे फाइट उनके अगेंस्ट हो जाएंगी, काफी डीएम उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अग्रसर हुई है, पुकार अगर एक गोली अभी भी इनको पड़ती है तो दिक्कतें हो सकती है, लेकिन इनके टीममेट को तो खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ओ जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि उनके बगी के बैक टायर को ब्लास्ट किया गया था, जिसके कारण वो रफ्तार नहीं पकड़ पाए, और आप रफ्तार नहीं, एक और निकल गया। अब मैं बात कर रहा था इनके लिए कि चलिए आज के दिन में वो मौका होगा जहां पे वो पहले स्थान पे आएंगे, और उसी वक्त इनका खात्मा हो रहा है, तो ये थोड़ा देख के ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास पॉइंट्स है, लेकिन टीम एक्सपर्ट को अभी भी फाइट के अंदर काफी डीएम के अगेंस्ट फाइट ले जरूर रहे थे, और धीरे धीरे खिलाड़ियों को खत्म कर रहे थे, और दूसरी तरफ ओजी के ऊपर भी फाइट लेने लगे, काफी डीएम का आखिरी खिलाड़ी पिक किया गया है, हु इज द कल्प्रिट, हु डिड दैट, दैट्स द क्वेश्चन। चलिए सवाल का जवाब मुझे लगता है थोड़ी देर में जरूर मिलेगा, बट शैडो वहां पे डाउन हुए, न्यू भी वहां पे खत्म होते हुए देखने को मिले, सारंग भी वहां पे गिर जाएंगे, टीम एक्सपर्ट एक अच्छी राह की तरफ बढ़े थे लेकिन अब मुश्किलों में फंसते हुए, शुरुआत बहुत बेहतर थी लेकिन अंत उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, आतंकी भी आप देखे दूसरी तरफ वहां पे डाउन किए गए, और एक एक का भी खात्मा होता हुआ हमें देखने गॉब्लिन
एक अच्छे हाई ग्राउंड पर है, इस पावर इनफैक्ट डाउन हो रखे हैं हेक्टर और गॉब्लिन, इन दोनों के ऊपर आ जाता है। क्या वापस से ये खिलाड़ी कुछ बेहतरीन कर पाएंगे? हील करने की काफी ज्यादा जरूरत है इस समय, फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा और बिल्कुल सामने फाइट हो सकती है। इस पावर को बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए हेक्टर किंग कोल्ड वापस आ चुके हैं। बट सर्कल का श्रिंक वो परेशान करेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा। ये ग्रेनेड की टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत कमाल की रहेगी और वो नॉक भी निकाला गया और डीबीएस के साथ, सॉरी S2LK के साथ वन तो भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा ये ग्रेनेड था, टाइमिंग सबसे बड़ा यहाँ पे रहा। और वो जो हील करने का टाइम डिमांड कर रहे थे वो ओपोनेंट ने बीच में, रेवनेंट ईस्पोर्ट्स, ये भी एक मौका यहाँ पे ढूंढेंगे डिस्काउंट की तरफ से। वो पहला नॉक निकाला जाएगा और इंस्टेंटली उन्हें फिनिश ऑफ भी यहाँ पे कर दिया गया। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनकी मुश्किल और बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये पूरा मैच है, ये मैच उनके पास आ सकता है। यहाँ से वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है, स्काउट कंटिन्यूअसली एक एच पे स्प्रे कर रहे हैं और दो खिलाड़ी दो अलग अलग डायरेक्शन में, ये फायदा दिला सकता है पहली ओपनिंग टीम रेवेनेंट को मिलती हुई। एक खिलाड़ी को डाउन किया, इनफैक्ट रेवेनेंट के फ्लॉक को भी डाउन किया जा चुका है सेंसे IGL, बट विल ही बी द सेंसे इन द गेम? थ्रोएबल्स उनके ऊपर आते हुए खिलाड़ी को खत्म किया जा रहा है, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए सेंसे और टीम सी चिकन डिनर के धीरे धीरे करीब जा रही है। पिन डाउन हो चुके हैं, देयर इट इज टीम सी स्पोर्ट्स के साथ एंड जी ऑलवेज फाइटिंग इस गेम के अंदर थोड़ा देर हमको नजर आया था एंड द एंटिटी इन सब के ऊपर बाउंटीज थी, सब खिलाड़ी ग्लाइड भी कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर फाइट्स होनी शुरू हो चुकी है। वन प्लेट के खिलाड़ी फाइट लेते हुए खिलाड़ी को डाउन करेंगे, एडमिनो ही इज डाउन, खत्म करने की उनको पूरी कोशिश रहेगी जरूर, बट बाकी दूसरी साइड से रिटेलिएशन फायर भी आता हुआ, बट द डैमेज इज डन। क्या ये अब और आगे फाइट लेंगे? स्वागत किया गया बट जोनाथन दूसरी तरफ टीम तमिलास के ऊपर अटैक कर चुके हैं। जी गॉड का भी साथ मिलेगा, मिस्टर राइजल को डाउन किया बट काउंटर, जोनाथन को भी वहां पे डाउन किया गया, इनफैक्ट जी गॉड भी गिर जाएंगे, खत्म किया गया जी गॉड को। और अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या उम्मीद की वो किरण बची हुई है? आखिरी खिलाड़ी बचे हुए इनफैक्ट वो फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी, लेकिन किस तरीके से फाइट हो पाएगी? एक तरफ AKM 30 गोलियां उनके पास, डैमेज अच्छा खासा दिया है, काफी कम HP पर छोड़ा जरूर गया है और अपने शॉटगन को S686 को इनफैक्ट काफी अच्छे तरीके से किया जाएगा। एक तरफ DBS और एक तरफ S686, लेकिन पंक की HP बहुत ज्यादा कम है, शॉट लगेंगे तो, लेकिन पंक द मैन रिफ्यूजेस टू गो डाउन, द मैन स्टेज ऑन हिज फीट। हर कोई एक दूसरे के आसपास मंडरा था, वो आइकुसोल एक तरफ और एंटिटी के खिलाड़ी एक तरफ, लेकिन डैमेज आइकुसोल के प्लेयर्स को पड़ रहा है, पारी पारी लगातार इनफेक्टेड डैमेज पड़ता हुआ। नकुल खुद को हील करते नजर आएंगे और उनको कवर दिया जा रहा है रोनी के द्वारा, लेकिन रोनी को भी पिक किया जाएगा, बट नाउ नकुल इज रेडी, हिल गो फॉर द हील। सोमराज की तरफ से थोड़े बहुत थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं लेकिन एंटिटी वो एक जगह पर है और आइकुसोल हर एक डायरेक्शन से फाइट को अंजाम दे रही है। ये दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये ग्रेनेड, हाउ डिड ही सर्वाइव दैट? पंकी लेकर के उनकी जगह पर गए, सोमे थोड़ा तो सब्र करो। एक्वानॉक्स के ऊपर अब पूरा यहाँ पे भार आ चुका है और कौन कितनी जल्दी यहाँ पे रिवाइव दे पाएंगे। इमॉर्टल के पास भी एक बहुत कमाल का एंगल है, एक्वा को समाप्त कर सकते थे लेकिन वो मौका उनसे छीना गया। मोगो इसी बीच उनका भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है, ये मैच भी उतना बेहतर साबित हुआ नहीं और उनके अगेंस्ट थे टीम एक्सपार्क और आइकुसोल का भी यहाँ पे खात्मा होता हुआ में देखने को मिल जाएगा। वाइपर वो आखिरी नाम था जो कि नकुल को वहां पे खत्म करने में कामयाब हुए। आपका पूरा ध्यान सामने था बट रेकनिंग बैक साइड से आई, उस चीज के लिए तैयार नहीं थी आइकुसोल। वाले कार्ड पे टीम वो पहला नाम हो सकता है, एक्सपार्क को दूसरा नाम हो सकता है, वक्त बताएगा बट स्प्रेस की जब बात आई तो यहाँ पे कमी रहेगी नहीं। नॉकआउट किया जा चुका है, कंफर्म करने की कोशिश रहेगी वहाँ पे सारंग को, लेकिन वो जो एंग का कहना यही था कि आई थिंक हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट फेज में चले गए थे इसके कारण थोड़ा नीचे हुए, बट चलिए उसमें बात कर में विस्तार में बात करेंगे। कुछ नॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं, आतंकी भी वहाँ पे फंसते हुए, पुकार की बात करें स्प्लैश डैमेज पीछे हटने में मजबूर, ग्रेनेड इनके तरफ से भी हमें होता हुआ देखने को मिलेगा और शायद वो कनेक्शन बना सकता है बट इतना क्लोज चले गए कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। निंजा फिनिशर निकाल चुके हैं, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें AK की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन नजर लग जाती है अक्सर कहा जाता है, वही नजर लगती हुई मिड रेंज से उनके ऊपर स्प्रे, खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया, क्या थोड़े से खो से गए थे, उनके एंड से भी हमें वापसी होती हुई देखने को मिल रही है। बट जोनाथन मैं याद दिला दूं, पूरे के पूरे अभी तक सर्कल के बाहर थे, इनफैक्ट ब्लू जोन के बाहर थे, कंटिन्यूअसली वो डैमेज लेते रहे अपने साइड से। जोनाथन आ रहे हैं, इट्स अ कैंडल चैलेंजिंग द सन, एक दूसरे के आमने सामने एक ग्रेनेड करके इनफैक्ट टेक डाउन किया जा सकता है, थोड़ा सा आगे गया लेकिन विजगॉट को नहीं संभाल पाया, हालांकि एक खिलाड़ी को पिक किया जा चुका है और दूसरी तरफ जोनाथन वो विजगॉट का फिनिश उनके पास आया बट AKOP वाज द मैन। लेकिन आरू ने पहले भी ऐसे जोन्स को खेला है, पहले भी ऐसी फाइट्स ली है, लेकिन पहले और अभी में चीजें बदलेगी, वन ग्रेनेड टू रूल देम ऑल, रेकनिंग। यही तो दिक्कत है, वेट बहुत करते हैं, मुझे लगा क्लोज देखने को मिल रहा है क्योंकि कट ऑफ तो मुझे